नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति, और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व विधायक अजराय की सुरक्षा वापस लिए जाने के संदर्भ में उन्होंने की पत्रकार वार्ता। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केसेस के संदर्भ में डीएम ने पत्रकारों से की बातचीत। आगामी त्योहारों के मद्देनजर आला अधिकारियों ने कजाकपुरा क्षेत्र के लोगों संग की बैठक। और पूर्व विधायक अजराय को दी गई सुरक्षा वापस लिए जाने के संदर्भ में अधिवक्ता व कांग्रेस जनों ने एसएसपी से की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व विधायक अजराय की सुरक्षा वापस लिए जाने के संदर्भ में उन्होंने पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि उन्हें जो पूर्व विधायक के तौर पर सुरक्षा प्रदान की गई थी वो 21 मार्च को अचानक ही आदेश जारी कर वापस ले ली गई। उनका कहना था कि जिस प्रकार भाजपा सरकार की असलियत उजागर की जा रही है उससे सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के विरुद्ध चश्मदीद गवाह और वादी अजय राय ने कुछ दिन पहले सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी तो दूर, सुरक्षा में लगा एक गनर भी वापस ले लिया गया। उनका कहना था कि दरअसल मेरी हत्या से मुख्तार के ऊपर किए हुए सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। अजय राय ने सीधे तौर पर यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पंजाब से मुख्तार अंसारी को यूपी लाने का मामला सिर्फ दिखावा है। कई बार मुख्तार अंसारी से धमकी मिल चुकी है, मेरे ऊपर हमला किया जा चुका है, ऐसे में मुझे अतिरिक्त सुरक्षा की दरकार थी, इसके लिए मैंने गुजारिश की थी, लेकिन मुझसे मेरी सुरक्षा वापस लेकर सरकार ने यह जता दिया है कि वो मेरी हत्या कराना चाहती है। देखिए, सुरक्षा जो मेरे साथ लगभग 4 सालों से मेरे साथ एक पूर्व विधायक के तौर पर मुझे गनर 10% अंशदान पे मिला था, जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम है कि पूर्व विधायक को अगर कहीं खतरा है, थ्रेट है जान का, तो एक गनर उनको 10% पे दिया जाता है, आज तक रहा है। ये मेरे साथ सुरक्षा लगी थी और कल अटेंडम एक बैग संदेश ही आया गनर के पास और जानकारी हम लोग के पास आई कि तुरंत उनको सरकार का निर्देश आया है, शासन का निर्णय है कि तत्काल गनर को यहाँ से वापस पुलिस लाइन में भेज दिया जाए, और वो यहाँ से गनर वापस चला गया पुलिस लाइन में जाकर अपनी आमद कराई। ये इससे जाहिर होता है कि जो हम सब लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, यहाँ पर जो कमियाँ हैं इनकी, उसको हम लोग लगातार आप सबके माध्यम से जनता के बीच में ले जा रहे हैं, उससे ये सरकार पूरी तरीके से बौखलाई है। सरकार नाराज है कि कैसे भी हम अजय राय को और कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करें, कैसे इन्हें समाप्त करें, उसके तहत ये सब सारी योजनाएं चल रही हैं। सुरक्षा अतिरिक्त हम लोग मांगे थे, अतिरिक्त सुरक्षा की बात छोड़ दे, जो एक गनर लगा था उससे भी हटा लिया गया, तो निश्चित तौर से सरकार के, मैं ऊपर सीधे आरोप लगाना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल दिखावटी काम कर रही है, और सरकार हम लोगों को परेशान कर रही है, सरकार हमारी हत्या कराना चाहती है। ये परेशानियां लगातार हैं, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं, उसी के तहत एक गनर दिया गया था और 10% अंशदान पे दिया गया था, पर वो भी उनको अच्छा नहीं लगा। उस पर जो अतिरिक्त की बात छोड़ दी, वो एक गनर भी इन्हें अच्छा नहीं लगा, उसे भी विड्रा कर लिया, और केवल ये दिखावटी पनाह दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, रोपड़ जेल से लाएंगे, कोर्ट में जा रहे हैं, और जो व्यक्ति मजबूती के साथ मुख्तार अंसारी के खिलाफ खड़ा है, जिसने गवाही दे दी, गवाही पूरी हो गई, अब वो MP MLA कोर्ट में जीरा चल रहा है, उस दौरान सुरक्षा वापस लेना, अतिरिक्त सुरक्षा देने की बात छोड़िए, सुरक्षा वापस लेना, ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि केवल मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरकार खानापूर्ति कर रही है, मजबूती से जो व्यक्ति खड़ा है उसके साथ सरकार नहीं खड़ी है, और सरकार हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है और मेरी हत्या कराना चाहती है, मुझे कमजोर करना चाहती है, मुझे मरवाना चाहती है। निश्चित तौर से वही लोग उसमें शामिल थे और उन्हीं लोगों ने बम ब्लास्ट कराया था, उसको केवल घुमाया गया
उसमें गलत लोगों को फंसाया गया, उसे पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी के लोग खड़े थे कि वो बम ब्लास्ट हो, उसमें वादी मुकदमा गवाह और पूरे कोर्ट कचहरी के अंदर अफरा तफरी मचे और ये सारे लोग हमारी हत्या करा दी जाए जिससे सारा मुकदमा ही खत्म हो जाए, ये पूरी प्लानिंग थी। पर बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हमारे जो साथी थे, मजबूत हमारे लोग थे, उन लोगों ने पूरे साथ हमारे साथ खड़े रहे और जिसके नाते ये घटना, जो साइकिल अंदर आने वाली थी आरडीएक्स लगी हुई, वो साइकिल अंदर नहीं आ पाई, कैंपस में बाहर थी, जिसके नाते कचहरी के अंदर काफ़ी जानमाल का कि वहाँ पर हानि हुई, उसमें कुछ वकील भाई भी हमारे साथी जो उसमें मर गए, मृत्यु हो गई। निश्चित ये सरकार पूरी तरीके से ऐसे लोगों को बचाने पर लगी है और हम सब जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, जनता के सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं, उनकी हत्या कराना चाहती है, उसे मरवाना चाहती है। पार्टी की तरफ से आप सारे अध्यक्ष और सारे लोग गए, जाके उन्होंने एसएसपी महोदय को, डीआईजी जो चार्ज में, उनको जाके बताया और उन्होंने कहा कि उसमें हम कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि निश्चित संज्ञान में लेना चाहिए प्रशासन को और उसमें जो सुरक्षा हमारी वापस हुई है वो सुरक्षा और अतिरिक्त सुरक्षा निश्चित तौर से नीनू को हमें देना चाहिए। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केसेस के संदर्भ में डीएम ने पत्रकारों से बातचीत की। एक बार फिर कोरोना महामारी ने तेजी से अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। वाराणसी में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बाबत जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें एक हफ्ते तक जनता को जागरूक करना है, जिसके 3-4 दिन बचे हैं। यदि इसके बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों की बाकायदा जाँच हो रही है, टेस्टिंग दोबारा तेजी से बढ़ा दी गई है, वहीं वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज हो गया है। कोविड को लेकर व्यापक रूप से सभी समाचार पत्रों में भी सारी गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी की गई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक हफ्ते तक पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश की जाए, सारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से और जन जागरूकता के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और जितने भी हमारी जो जिम्मेदार संस्थाएँ हैं उनके माध्यम से, तो वो कार्य चालू है। 3-4 दिन का समय और बचा हुआ है। सरकार का ये भी कहना है कि फिर अगर लोग ना माने तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई और उसको स्ट्रिक्टली जो भी सरकार के निर्देश हैं उसको इन्फोर्स कराने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए, तो वो कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए हैं कि बुधवार बृहस्पतिवार तक अवेयरनेस का कार्य किया जाए। उसके बाद अगर कोई मास्क नहीं लगाता है, भीड़ भाड़ करता है या जो सरकार के निर्देश हैं दुकानों को खोलने के टाइमिंग आदि को लेकर उसका कोई वायलेशन करता है, तो फिर उसकी कार्रवाई हम लोग बुधवार बृहस्पतिवार के बाद से प्रारंभ कराएंगे। मीनवाइल हम लोगों ने जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर के प्रदेशों से आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे चालू करा दी है। जो भी लोग घरों में आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करके और उनका सैंपल लेके, बाकायदा जब तक सैंपल ना आ जाए तब तक बाहर ना निकलने की एडवाइजरी जारी की जा रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके खुद के टेस्ट, उनके घर वालों के टेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं। जो टेस्टिंग है वो दोबारा 4,000 से ज़्यादा संख्या में बढ़ा दी गई है, जो कि कोरोना के पीक काल पर चला करती थी। और अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इन सब के माध्यम से हमारी घर घर जो हमारी सैंपलिंग की टीम और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम है, उनके व्हीकल लैब टेक्नीशियन वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। 1-2 दिन में वो भी बहुत अच्छे से चलना चालू कर देंगे। इसी के साथ हमारे जो वैक्सीनेशन का कार्य है उसको तेज किया गया है। पहले खाली सप्ताह में 2 दिन किया जाता था, अब सप्ताह में 6 दिन किया जा रहा है और अलग अलग टारगेट ग्रुप के माध्यम से भी, जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, वो कोमोरबिड लोग और 60 साल के ऊपर के लोग हैं, वो सारे स्वैच्छिक लोगों को वैक्सीनेशन का काम कराते हुए हम लोग बड़ी तेज़ गति से कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर वल्नरेबल सेक्शन है वो हमारा वैक्सीनेशन से कवर हो जाए, ताकि अगर कोरोना की पीक और आती भी है तो ऐसे लोगों पर जान का संकट ना आए। तो कुल मिला के सारी चीज़ें चालू हैं। जो बाहर के प्रदेशों से लोग होली पर लौटेंगे या अभी जो लौट रहे हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान है। एयरपोर्ट पे तो 100% टेस्टिंग सुनिश्चित हो रही है। रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग भीड़ की वजह से पूरी टेस्टिंग नहीं हो पा रही, तो उनके नाम पते कॉन्टैक्ट नोट किए जा रहे हैं ताकि घरों में भेज के लोगों को उनकी टेस्टिंग कराई जा सके। तो कुल मिला के सारी सतर्कता है और सारी चीज़ें लागू की गई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग भी प्रतिदिन चालू कर दी गई है और उनके माध्यम से भी इन्फोर्समेंट का काम चालू है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर आला अधिकारियों ने कजाकपुरा क्षेत्र के लोगों संग बैठक की। होली और शबे बारात पर्व को देखते हुए कजाकपुरा स्थित एक लॉन में जिले के एसीएम पंचम, एडीएम सिटी गुलाबचंद, एसपी सिटी विकास चंद त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रवीण कुमार सिंह, जोनल अधिकारी रामेश्वर दयाल सिंह ने क्षेत्रीय लोगों और पार्षदों के साथ बैठक कर त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ मनाने के विषय पर चर्चा की। वहीं बैठक में जलकल व बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष क्षेत्रीय जनता ने अपने क्षेत्र की परेशानियों को बताया। कोनिया निवासी आदित्य सेठ ने बताया कि कोनिया सट्टी से लेकर गेंदा
फैक्ट्री तक सीवर महीनों से जाम होकर ओवरफ्लो होकर गंदा पानी रोड पर बह रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जलकल विभाग ने समस्या पर ध्यान नहीं दिया। वहीं शिव प्रकाश मौर्य पार्षद ने बताया कि क्षेत्र में जहां होलिका जलती है उसके ऊपर बिजली के तार हैं, जिसको हटाना बहुत आवश्यक है। वहीं छतनपुरा के पार्षद साजिद अंसारी ने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में सीवर का चैम्बर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। वहीं शिया समुदाय के लोगों ने अधिकारियों को अवगत कराया कि शबे बारात के दिन भोर में 3 बजे से 5 बजे तक 40-50 की संख्या में महिलाएं तेलियाना घाट राजघाट पुल पर जाकर अपने मन्नत की चिट्ठी गंगा में प्रवाह करती हैं। इन महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस फोर्स लगाई जाए। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सारी समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा। थाना प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा ने क्षेत्र के लोगों से कहा कि क्षेत्रीय लोग एक कमेटी गठित कर लोगों का नाम और मोबाइल नंबर हमें दे दें और कमेटी के लोग पर्व के दिन नीले रंग का फीता पहने रहें, जिससे हम पुलिस वालों को पता चले कि युवक कमेटी के सदस्य हैं। बैठक में लोगों ने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस फोर्स लगाने का सुझाव भी दिया। वहीं बैठक का संचालन नियाज अली मंजू ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से पार्षदगण शिव प्रकाश मौर्य रोहित जायसवाल विजय सोनकर दयाशंकर मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज थाना आदमपुर की पीस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें पूरे थाना क्षेत्र के तमाम सम्मानित पीस कमेटी के लोगों के साथ मीटिंग की गई। क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और आगे आने वाले त्यौहार सबे बारात और होली के सब जहाँ जहाँ उसका दहन होंगे या जुलूस निकलेंगे, उनके समस्याएं तथा उनको सकुशल कैसे संपन्न कराए जाए, उनके सम्मान में मीटिंग की गई, बात की गई और आवश्यक। पूर्व विधायक अजय राय को दी गई सुरक्षा वापस लिए जाने के संदर्भ में अधिवक्ता व कांग्रेसजनों ने एसएसपी से मुलाकात की। अधिवक्ता व कांग्रेसजनों का प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर सिंह व महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे की अगुवाई में वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक से मुलाकात कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय की सुरक्षा वापसी पर अपना रोष जताते हुए अविलंब सुरक्षा व्यवस्था वापस करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के उपरांत अपने संबोधन में हरिशंकर सिंह व राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से बताया कि अजय राय वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में गरीब मजलूमों के सच्चे हमदर्द हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सरकार की कलाई खोलने के साथ ही साथ बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं व उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वादी मुकदमा है, जिसकी गवाही हेतु इलाहाबाद स्पेशल कोर्ट में आना जाना होता है, लेकिन वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वेष रखते हुए उनका उत्पीड़न जारी रखे हुए है। ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था जल्द सुनिश्चित नहीं की गई तो वाराणसी के कांग्रेस जन व अधिवक्ता समुदाय आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से पूर्व बार काउंसिल चेयरमैन हरिशंकर सिंह, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, ओम प्रकाश ओझा, फसाहत हुसैन, मनीष मोरोलिया इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व अधिवक्तागण मौजूद रहे। साहब जो अभी आईजी हो चुके हैं मानी पाठक से मुलाकात करके हम लोग इसलिए मिलने गए कि सुरक्षा व्यवस्था की बात, सुरक्षा व्यवस्था सबको जरूरी है, आवश्यक है। माननीय विधायक अजय राय जी की सुरक्षा व्यवस्था बहुत पहले से थी, उनको हटा लिया गया। कल जिसका पैसा जमा करते थे वो सुरक्षा भी कल 21 तारीख को हटा ली गई, जो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है, चिंतनीय विषय है। हम लोग बनारस के रहने वाले प्रदेश के नेता भी हैं, यहाँ के बार कथक भी रहे हैं, हमारे बगल में सुजात हुसैन भाई हैं, चौबे जी हमारे हैं, विकास जी, सभी अधिवक्ता भाई लोग हमारे हैं। कहा गया कि 2-4-5 संख्या में आइएगा। अजय राय के लिए 1000-2000 भी आदमी आ सकते हैं, उनके साथ अन्याय हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वह व्यक्ति सबके लिए काम करता, रातों दिन काम करता, जिसका नाम अजय राय है। हम उनको संत की संज्ञा देना चाहते हैं। हम लोग उनसे सीख लेते हैं कि जनता के नेता, जनता की सुनवाई, जनता के दुख दर्द में किस तरह से हाजिर होने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई। माननीय अजय राय जी मुख्तार अंसारी के मुकदमा में वादी मुकदमा हैं। छोटे मोटे काम के लिए सरकार, पुलिस प्रशासन, शासन उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। आज अजय राय भाई जो हमारे नेता, प्रदेश के 5 बार विधायक रह चुके, ये यहाँ के मंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी सुरक्षा हटा लेना बहुत ही चिंतनीय निंदनीय विषय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था अविलंब शासन प्रशासन अगर नहीं उपलब्ध करा देता है
तो बनारस नहीं उत्तर प्रदेश में आग लगेगी और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग, हड़ताल करेंगे। अजय राय की उपेक्षा, अजय राय की सुरक्षा हम लोग के लिए बड़ी बात है और शासन प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। ये शासन प्रशासन के लोग आज आप जान लीजिए कि उनको डरा के धमका करके रखेंगे तो अजय राय जी वो शख्सियत नहीं है। सुरक्षा हटा लो, जो करना हो कर लो, लेकिन जो पार्टी मैन, जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, गलत नीतियों का विरोध तो करेगा ही करेगा। अगर सुरक्षा व्यवस्था हटा के दबाना चाहते हैं शासन प्रशासन के लोग तो उनकी भूल है, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इसी संबंध में आज पत्र SSP कम DIG माननीय पाठक जी को हम लोगों ने दिया और रिक्वेस्ट किया कि शीघ्र श्रीमान जी आप इसकी व्यवस्था बनाइए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने लोगों को जागरूक करते हुए उनमें मास्क वितरित किया। जिस तरह से पूरे विश्व के साथ हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना ने पुनः तेजी के साथ अपना पाव पसारना शुरू किया है और इसकी गंभीरता को नकारते हुए ज्यादातर लोगों में मास्क पहनने के प्रति लापरवाही बढ़ी है, उसे देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, समाज सेवी विजय कपूर के नेतृत्व में विशेषरगंज स्थित सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं और सब्जी खरीदने वालों के बीच जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क बांटकर उनसे नियमित रूप से मास्क पहनकर फल और सब्जी बेचने एवं खरीदने की अपील की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसकी बानगी पूरे देश में देखने को मिल रही है। इससे हमारा शहर बनारस भी अब अछूता नहीं है, यहाँ पर भी अब नित्य प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। हमारे शहर में जिस प्रकार से लोग अब बिना मास्क के बेखौफ होकर घूम रहे हैं वो इस महामारी से बचाव के लिए अच्छा नहीं है। लोग न तो शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। वक्ताओं ने सभी सब्जी विक्रेताओं के साथ आने वाले राहगीरों से अपील करते हुए कहा कि वो जब भी घर से बाहर निकलें अपने को सुरक्षित करते हुए मास्क पहनकर निकलें तथा जागरूकता के तहत लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में नंद कुमार, भैयालाल यादव, अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जिस प्रकार से पूरे देश में और हमारे शहर वाराणसी में कोरोना ने पुनः पांव पसारना शुरू किया है, जिससे हमारे देश में नित्य प्रतिदिन 35,000 से 40,000 जो है संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। और विडंबना यह है कि हमारे शहर में अब लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। हमारा लोगों से यह मांग है और प्रशासन से यह मांग है कि जो भी लोग भी मास्क न लगा रहे हो उनको दंडित करें और इस पर तत्वरित कार्रवाई करते हुए कार्य करें। प्रियांशी महिला उत्थान सेवा समिति द्वारा दिव्यांग संदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रियांशी महिला उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित दिव्यांग संदेश कार्यक्रम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त में ट्राईसाइकिल बांटी गई। इस अवसर पर जिला विकलांग अधिकारी ने दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि अब दिव्यांग किसी पर बोझ नहीं है, आज दिव्यांगों के लिए सरकार सीधे लाभ दे रही है। सरकार इस बात की भी मॉनिटरिंग करती है कि दिव्यांगों को ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जिससे ये निशुल्क यात्रा कर सकते हैं। जो भी दिव्यांग हैं ये कार्ड जरूर बनवाएं जिससे उन्हें सीधे लाभ मिल सके। 2015 से सरकार सुगम्य भारत योजना की शुरुआत की है, धीरे धीरे ये 2 साल में पूरी कर दी जाएगी। सभी प्रकार की योजनाओं में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आने वाले समय में दिव्यांगों के लिए नेशनल कार्ड बने, इसको जरूर बनवाएं। मेरा जो है कि मेन एक उद्देश्य है दिव्यांगता के क्षेत्र में जो ढेर सारी असुविधाएं उनको हैं, उनको वो असुविधाएं जो हैं कि उनके जो है कि दूर करें। और साथ में सबसे बड़ी इनकी जो ज़रूरत है शिक्षा की, शिक्षा पे मैं विशेष रूप से कार्यरत हूँ। और मेरे साथ जो है कि हम अपने डिपार्टमेंट में मिश्रा सर जो हैं उनसे पूरा जो है कि गाइडेंस लेकर इनके विकास के लिए हर समय सक्षम तत्पर हूँ। और अभी हम लोग एक और प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमको लगता है कि जो हमारे दिव्यांग हैं और जो हमारे समाज के लोग हैं उनको जो है जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सुबह से मेरे पास कई ऐसे दिव्यांग हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन उनके पास एक अवेयरनेस उनके पास नहीं है कि हम कहाँ पर जाएँ कैसे जाएँ। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि समाज में एक गवर्नमेंट ने एक विभाग उनके लिए बनाया है स्पेशली जो उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ जो है कि देंगे। और साथ में हम सरकार के साथ और अपने विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मेरा बस यही उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो ये
एक अलग कैटेगरी बन गया है इनका, उस कैटेगरी को हमको हर तरह से दूर करना है, उन्हें जो है सेल्फ अपना रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस उनको बढ़ाना है। आज एक सरकार की योजना चलती है कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण योजना, उसके तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किया जाता है, उसके तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किया जाता है। आज उसी क्रम में कुछ ट्राईसाइकिल और स्मार्ट केन, कान की मशीन और बैसाखी, ये सामान जो है इनको प्रदान किए गए हैं। ये सरकार के जो बृहद कार्यक्रम है सहायक उपकरण वितरण का, उसी के एक पार्ट के तौर पे आज ये प्रियांशी महिला उत्थान समिति एनजीओ है जो हमारे विभाग के तहत रजिस्टर्ड है, उसने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। उसी अवसर पर विभाग के द्वारा ये उपकरण प्रदान किया गया है। और इसके अलावा सरकार बहुत सारे भौतिक पुनर्वास की योजनाएं उनके लिए संचालित कर रही है, जैसे पेंशन का शादी अनुदान है, शल्य चिकित्सा अनुदान है, दुकान निर्माण संचालन योजना है, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जो है उनके लिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण और 4% का आरक्षण सभी सरकारी योजनाओं के तहत जो लाभ प्रदान किए जाते हैं उनमें उनको गरीबी निवारण योजनाओं में सभी योजनाओं में प्राथमिक लाभार्थी, प्रथम लाभार्थी के तौर पर उन्हें सहायता प्रदान की जाए। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कैंट स्टेशन पर जांच तेजी से शुरू हो गई है। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए एक तरफ वाराणसी स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, तो दूसरी तरफ होली के मद्देनजर त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच तेजी से शुरू हो चुकी है। स्टेशन पर यात्रियों की निकासी के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ही गेट खोला गया है, जहाँ यात्रियों को कोरोना जांच से गुजरना पड़ रहा है। जांच कर रहे मंडलीय चिकित्सालय के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि रोजाना 2 शिफ्ट में 450 से 500 यात्रियों की जांच की जा रही है। हालांकि ये जांच अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो जाए। इसके अलावा भीड़ ज्यादा होने पर टेम्परेचर मशीन से जांच कर जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी जांच जरूर की जाती है। ये सर हमारा लगभग 16 तारीख से 16 मार्च से चालू है और ये लगातार चल रहा है, 2 शेड्यूल में है। एक टाइमिंग 8 से लेकर 3 बजे तक है, दूसरी टाइमिंग 3 से लेकर 9 तक है। अमूमन जैसे हम लोग फर्स्ट डे से कर रहे हैं तो 250, 225, 250 मैक्सिमम इस तरह से केसेस होते हैं, तो अमूमन एक दिन का मिला के रेशियो 450-400 के करीब होता है। ये जो भी ट्रेन से पैसेंजर्स आते हैं, सारे पैसेंजर्स के लिए है कि जो अपने इच्छा अनुसार लोग करा नहीं, इच्छा अनुसार तो है ही, ये कंपलसरी है क्योंकि सेफ्टी सबके लिए जरूरी है, तो ये मतलब आने जाने वाले सबके लिए कंपलसरी है ट्रेन। और प्लस जो मतलब कि इच्छुक है अपने से भी करवाने के लिए है, उनके लिए भी ये सरकारी सुविधा निःशुल्क है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रदेश सरकार के जो भी निर्णय था उस हिसाब से जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने मिलकर एक समन्वय स्थापित करते हुए जो भी वाराणसी में जो भी ट्रेन आ रही हैं और ऐसी जगहों से आ रही हैं जहां पे संक्रमण फिर से फैलना चालू हुआ है, वहां से जो भी ट्रेन आ रही है वहां के यात्रियों को यहां पे उतरने के बाद एक मिनट का, उससे भी कम समय लगता है हर एक यात्री को, जिसको भी डाउट है थोड़ा सा या जो भी डॉक्टर्स की टीम होती है वो अपना डिसाइड करते हैं किसका रैपिड एंटीजन टेस्ट इमीडिएटली यहीं पर हो जाता है। और उन रैपिड एंटीजन टेस्ट में जिसका भी पॉजिटिव या पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं उनका तुरंत ही RT-PCR जिला प्रशासन अपने जिला अस्पताल में कराने का कार्य करता है और उनके साथ जो भी SOP शेड्यूल जो कोरोना के लिए है वो फॉलो किया जाता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चिराईगांव ब्लॉक में आयोजित किसान कल्याण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने शिरकत की। चिराईगांव ब्लॉक में किसान कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगी सरकार के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर ये कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर वहां पर किसानों के लिए कृषि से संबंधित कुछ स्टॉल भी लगाए गए थे, जहाँ पहुंचकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने उसकी जानकारी ली। वहीं कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कैबिनेट
मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि योगी सरकार जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी उसको आते ही उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में विकास की जो कार्य किए हैं वो पिछले किसी सरकार में नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि योगी सरकार के 4 साल अंधेर नगरी चौपट राजा के नाम पर जाना जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश जी के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। उनकी सरकार में जो कार्य किया गया है वो सबके सामने है, ऐसे में अब वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को फालतू बताया और कहा कि उनके विषय में बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आज सरकार ने 4 वर्ष पूरा किया है, 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि 4 साल के अंदर उनकी सरकार ने जो जनता की सेवा की है, जो नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जो उनकी सरकार इतिहास बनाने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनकर रहेगा। लगातार सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। वहीं पिछली सरकार के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कहा कि ये 4 साल अंधेर नगरी चौपट राज कर रहे हो, इसमें भय लूट हत्या डकैती के बहुत मामले आए, क्या कहेंगे? असल में उनको अपना जमाना याद आ रहा है, हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम लोग इसकी परवाह नहीं करते। और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये प्रमाणित कर दिया है कि सरकार सही दिशा में चल रही है, सही काम कर रही है। आज किसानों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर आज देश में नंबर एक पर हो गया है। आज यहाँ इन्वेस्ट आ रहा है, रोजगार का हम सृजन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सफलता की नई सीढ़ियों पर चढ़ने का काम कर रहा है। आज जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना, वो लोग राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं, जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। और देश का किसान, देश का गरीब, देश का मजदूर आज चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप वही में पूर्व मंत्री ने बताया राजभर में जो अभी लगातार हमला बोला कहा कि ये सरकार में हर थाने पर बिना कमीशन के या बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, जबकि सरकार इस तरह से बात करती है कि जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अब सड़क छाप लोगों के बारे में क्या बात करना, अपना समय हम लोग जाया नहीं करना चाहते ऐसे लोगों के बारे में बात करना। बीएचयू कला संकाय डीन ऑफिस के समक्ष भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय स्थित डीन ऑफिस में भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने प्रदर्शन किया। भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने बताया कि आरके हॉल कला संकाय के डीन की तरफ से हम लोगों को दिया गया था, जिसमें हम लोगों का कार्यक्रम होना था। वहीं कुछ लोगों द्वारा यहां दबाव डालने पर उस हॉल को कैंसिल कर दिया गया। आज जब हम चाबी लेने आए तो हमें पता चला कि हॉल नहीं दिया जाएगा। इस बात के लिए उन्होंने कोरोना का हवाला दिया है। देखिए, यह धरना जो है, ये हमारी मांग है कि आरके हाल जो हमारा अधिकार और हक है, उसमें हम भगत सिंह को याद करते हुए उनके शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। ये हमको आरके हाल नहीं दे रहे हैं। आरके हाल ये दे दिए थे, लेकिन ये मतलब 3-4 दिन पहले हम लोग सारा प्रोसेस जो एक होता है कि पूरा जो सिस्टम में हम लोग फॉलो करना कि इनको लेटर देना और इनसे कहना विनम्रतापूर्वक, हम सारी प्रोसेस को फॉलो किए थे। उसके बाद जो यहाँ के जो अधिकारी है वो हमसे राजी हो गए थे और लिखित में नोटिस दिए थे कि आपको आरके हाल दे दिया गया है। उसी हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारियां की, हजारों लोगों को बुलाए और कल हमारा प्रोग्राम है। अब सोचिए, अगर हजारों लोगों को हम न्योता दिए हैं कि आप आइए, और आने के बाद ऐसा हो जाए कि हम लोग जो प्रोग्राम जो जगह करा रहे हैं वो हमको मिले ही ना, तो यह कितना बड़ा अन्याय होगा, है ना। तो हम लोग इसे देखिए, मुख्य बात यह है कि ये कुछ विशेष लोगों ने आकर धरना किया, जबरदस्ती मतलब उन लोगों को डाटा फरकारा अधिकारी लोगों को, वो लोग ये निर्णय दबाव में आकर लिए और वो लोग बहाना बना रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से आपकी हाल कैंसिल हो जा रही है। अरे कोरोना अगर होता तो यहाँ पर जो राजनीतिक काम हो रहे हैं और ढेर सारे सम्मेलन हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना नहीं हो रहा है। भगत सिंह की शहादत को मनाते वक्त सबको कोरोना हो रहा है, तो ये जो तर्क है या झूठा है, फरेब तर्क है। और ये
कल शाम 4 बजे जब ऑफिस बंद हो जाता है उसके बाद नोटिस जारी करते हैं, ताकि जो समय है उसको मतलब आ समय हम लोगों को जब नोटिस जाएगी तो हम लोग अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, है ना। तो ये चुप्पी चोरी में सारा काम चल रहा है सर। यहाँ का जो प्रशासन है ये एक प्रकार से डरा हुआ है, धमकाया गया है और वह दबे होने के कारण अपना जो निर्णय है वो नहीं ले पा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर केस की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 25 मार्च तय की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर केस की आज सुनवाई होनी थी लेकिन इसकी तिथि टाल दी गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में वादी मंदिर पक्ष के तरफ से पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसकी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायालय ने अपने कोर्ट व कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण करने का निर्णय लिया था, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई और तिथि टाल कर 25 मार्च की तिथि तय की गई। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में वादी मंदिर पक्ष के तरफ से पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंसी के माध्यम से कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए कोर्ट ने आज डेट नियत की थी, परंतु आज माननीय न्यायालय ने अपने कोर्ट और अपने कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण करने का निर्णय कर लिया था। इसके वजह से कोर्ट में हियरिंग की कार्यवाही जो है वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तिथि टाल करके 25 मार्च की तिथि नियत की है। पति पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगाते हुए एक महिला रामनगर थाने पहुंची। चंदौली निवासी सुनीता विश्वकर्मा ने अपने पति चंदन विश्वकर्मा पर शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अब वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि विगत कई वर्षों से वो उसे और उसके बच्चों को मारता पीटता है, जिससे आज वो तंग होकर फिर से रामनगर थाने पर पहुंची है। महिला ने बताया कि इससे पहले भी वो मुझे और मेरी लड़की को मारता पीटता था, जिसकी वजह से उसे 1.5 महीने जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन अब फिर से वो अपने पुराने रवैये पर आ गया है, इसलिए हम आजिज होकर रामनगर थाने पर आए हैं। महिला ने बताया कि रामनगर में वो किराए पर रहती है, यहाँ पर उसका लकड़ी का कारोबार होता है। सुनीता जी, आप रामनगर थाने में क्यों आई हैं? सर, ऐसे रहे कि कल रात की दारू पी के बहुत हड़कंप आ गई है, तो इसलिए आप थाने में आई हैं। तो आपके बच्चे भी हैं? दो लड़का एक लड़की। जनता पार्टी ने जन जन के द्वार चौपाल अभियान की शुरुआत की। जनता पार्टी द्वारा आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जन जन के द्वार चौपाल लगाकर ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा कर अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शंखनाद कर दिया है। पार्टी बनारस के 8 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ ईमानदार व कर्मठ प्रत्याशी को उतारेगी। वही कार्यक्रम की शुरुआत अमरा खैराचक नई बस्ती में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनता पार्टी के वाराणसी जिला अध्यक्ष पद्माकर सोनी रहे। चौपाल में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा अपनी समस्याएं बताई। ग्रामीण अपनी समस्या पर हमसे चर्चा करना चाहते थे, महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे, शिक्षा बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहते थे, अपने गांव की दशाओं पर चर्चा करना चाहते थे। भारत को आजाद हुए 75 साल के करीब होने जा रहा है, हम 75वां वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। अपनी स्थिति को बताने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमें इतना ग्रामवासियों का प्रेम मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। मैं बार बार ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मुझे ऐसे ही स्नेह सभी का मिलता रहे। पंडित ननकू महाराज के जन्म शताब्दी अवसर पर संगीत संध्या आयोजित हुई। रविवार को रामकटोरा क्षेत्र में पंडित ननकू महाराज जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बनारस म्यूजिक अकादमी द्वारा आयोजित संगीत संध्या में अकादमी के छात्र छात्राओं द्वारा होली एवं दादरा की कुशल प्रस्तुति की गई। इसके बाद बनारस घराने के सुप्रसिद्ध सरोद वादक पंडित विकास महाराज ने अपने सरोद वादन पर सुप्रसिद्ध धुन से गंगा की अवतारणा की।
उनके साथ सितार पर अभिषेक महाराज एवं तबले पर प्रभाष महाराज ने संगत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दयाशंकर मिश्र उपस्थित रहे। इनके साथ ही प्रोफेसर अरविंद जोशी, शैलेश वर्मा, उत्तम ओझा, अमरीश सिंह भोला, डॉक्टर लेनिन रघुवंशी, श्रुति नागवंशी समेत बनारस के कई विशिष्ट नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन पंडित विशाल महाराज एवं सौरभ अग्रवाल ने दिया। प्रभा जी, किस तरह का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ? आज पंडित धनकु महाराज जिनको बंगाल टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया था और मेरे दादाजी थे, उनका जन्म शताब्दी समारोह 100 वर्ष उनको हुए, जन्म शताब्दी समारोह संगीत संध्या का आयोजन किया गया था जिसमें पंडित विकास महाराज जी ने अप्सरोद वादन प्रस्तुत किए और बनारस के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहे जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। संदेश यह कि बनारस घराना जीवंत रहे, क्योंकि आज जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था ये अगली पीढ़ी है हमारे बनारस घराने की। और ये जो कार्यक्रम आयोजन हुआ था ये बनारस म्यूजिक एकेडमी के द्वारा संचालित हुआ और इसके विशाल महाराज, प्रभास महाराज, अभिषेक महाराज, इन तीनों का ये जो मेहनत था ये था। उसके बाद सौरभ जी, सौरभ अग्रवाल जी जिनका ये स्थान है, उनका योगदान, उनके पूरे परिवार का योगदान। आज हमें खुशी इस बात की है कि इतना बढ़िया ये शताब्दी वर्ष हमारे पिताजी का मनाया गया कि सारे लोग इतने मग्धमुग्ध हुए कि एक शब्द उन लोगों ने कहा कि जब कार्यक्रम हो रहा था तो हमारे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। तो ये एक जो हम लोग को उपलब्धि प्राप्त हुई आज के कार्यक्रम से, तो हम तो ये प्रयास करेंगे कि आगे भी ये चलता रहे और इसी तरह आयोजन होता रहे। अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा द्वारा 19वें दिन भी धरना जारी रहा। अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा द्वारा 8 सूत्री मांगों को पूरा न किए जाने पर शास्त्री घाट पर 19वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान धरनारत लोगों ने कहा कि संसद द्वारा पारित अध्यादेश सन 2002 के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना 2003 में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी पूर्वांचल के 13 जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के श्रेणी में रखा गया था, परंतु अभी तक हमें इसका अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि 8 सूत्री मांगों में जनपद वाराणसी में कमेटी 2009 के आदेश के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने, हीला हवाली करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी पर तुरंत कार्रवाई किए जाने इत्यादि मांगे शामिल हैं। पूर्व में अभी 2-3 दिन पहले ACM फोर्थ महोदया जो यहां मांग पत्र लेने के लिए आई थी, उनसे कार्यालय में बात हुई। उन्होंने कहा तीनों तहसीलों में तहसीलदारों से और SDM महोदयों से बात हो गई है और आपके लंबित प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र जितने हैं उनको निस्तारित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तहसील से हमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना, 3 दिन बाद भी जो भी आवेदन पत्र हैं उनको निस्तारण करने के संबंध में हमें कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। प्रमुख मांग हमारी है कि सबसे पहले जो होता है हर आदमी को जरूरत पड़ती है, जाति प्रमाण पत्र हमारा निर्गत कर दिया जाए जैसे अन्य अन्य जाति के लोगों को, जैसे कुम्हार, कोयरी, कुनबी, कोई भी है, जैसे उनका प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी होता है, हमें जाति प्रमाण पत्र देने में उनको क्या दिक्कत है? हमें आज तक बताया भी नहीं गया, हमें प्रमाण पत्र नहीं जारी। आज लगभग 3 साल हो गए हैं राजा तराव तहसील में, हमारे कम से कम 200-250 आवेदन पत्र वहाँ लंबित पड़े हुए हैं। वही हाल पिंडरा का है, लगभग 150-200 आवेदन पत्र वहाँ लंबित पड़े हुए हैं। सदर तहसील के तहसीलदार द्वारा कुछ प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, वो भी केवल नाम मात्र के, जैसे उनको 3-3, 4-4 महीने में रिपोर्ट नहीं लगते। ये अबे कहीं भी किसी भी जात के लोग के साथ ऐसा नहीं होता,
पहले हमारे आवेदन पत्र तहसील के कार्यालय में दिए जाते हैं, वहाँ बाबू उस पर लिखेगा कि कृपया राजस्व निरीक्षक और लेखपाल कृपया जांच कर आख्या दें, तहसीलदार महोदय उसको मार्क करेंगे, तब उस पर मैनुअल रिपोर्ट लगती है। मैनुअल रिपोर्ट के नाम पर कानून को लेखपाल द्वारा धन उगाही की जाती है और उनको परेशान किया जाता है। तीन तीन चार चार महीने तक रिपोर्ट नहीं, कुछ पे तो रिपोर्ट तीन तीन साल से रिपोर्ट नहीं लगी हुई है। व्यापारी अमीरचंद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समाजसेवी एवं व्यापारी अमीरचंद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कहा कि 8 वर्षों से सामाजिक आर्थिक व्यापारिक राजनीतिक छवि धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोहनिया पुलिस द्वारा 17 मार्च को मेरे भतीजे प्रवेश पटेल ब्लॉक प्रमुख काशी विद्यापीठ जनपद वाराणसी को बाकायदा विपक्षी गण से लाभ लेकर प्रार्थी के थाना रोहनिया अंतर्गत स्थित केशरीपुर की जमीन पर गुंडाई व दबंगई पूर्वक कब्जा किए जाने के खिलाफ मेरे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर उच्चाधिकारियों ने ज्ञान लिया तो उल्टे एक फर्जी तहरीर के आधार पर मेरे भतीजे का धारा 151 सीआरपीसी में चलान कर दिया गया। कह लीजिए सब व्यक्तियों व्यक्ति विशेष का काम है और जिसका सहयोग प्रशासन ने खुल कर किया, चंद पैसों के लिए मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी करियर, मेरी पूरी राजनीति खत्म कर दिया। तो क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों के दबाव में प्रशासन से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, कोई राजनीतिक हर सरकारों में, ये यही नहीं कि इस सरकार, हर सरकार में मेरे साथ उत्पीड़न हुआ। हमें सरकार का कोई दोष नहीं देते, उच्च अधिकारियों का कोई दोष नहीं है, ये क्षेत्रीय अधिकारी जो होते हैं चंद पैसों के चक्कर में ये जो है मेरा शोषण करते हैं। क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा? स्थानीय प्रशासन नहीं, क्षेत्रीय जो प्रशासन है उसके द्वारा, हम उच्च अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं। अमीरचंद पटेल से किस चीज का डर लगता है लोगों को? हमको डर है, क्यों परेशान करते हैं? हमको इसलिए हमको डर है कि मेरी राजनीतिक करियर हत्या हो गई, मेरी सामाजिक हत्या हो गई, मेरी मानसिक हत्या हो गई, मेरी आर्थिक हत्या हो गई। अब मेरे बच्चों का ये सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया है, ये ना किया जाए। तो आप कह रहे हैं 15 सालों से आपका शोषण किया जा रहा है, तो अमीरचंद पटेल से क्या डर है कि उनका शोषण कर रहे हैं लोग? एन केन प्रकारे उनको जो है ये चाहिए कि मैं क्षेत्र से जो मेरा एक थोड़ा सा ये जीविका चलाने के लिए जो मैं कारोबार करता हूँ, राजनीति के साथ साथ मैं एक कारोबार करता हूँ, जिसको कह लीजिए अपने भाषा में ब्रोकरी कह लीजिए, कलनाइजरी कह लीजिए, या क्रय विक्रय का काम कर लीजिए, मैं अपने लड़कों को रख के काम करवाता हूँ। उन अब वो उनको देखा नहीं जाता, उन लोगों को उनके गले से उतरता नहीं, उन्होंने जेल भेजवा दिया, लिखवाते रहे आप लोगों के माध्यम से कि जेलों में भी जमीन बिक रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व विधायक अजराय की सुरक्षा वापस लिए जाने के संदर्भ में उन्होंने की पत्रकार वार्ता। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केसेस के संदर्भ में डीएम ने पत्रकारों से की बातचीत। आगामी त्योहारों के मद्देनजर आला अधिकारियों ने कजाकपुरा क्षेत्र के लोगों संग की बैठक। और पूर्व विधायक अजराय को दी गई सुरक्षा वापस लिए जाने के संदर्भ में अधिवक्ता व कांग्रेस जनों ने एसएसपी से की मुलाकात। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।